हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि यहाँ पे कक्षा बारहवीं के विषय भौतिक भौतिक शास्त्र के आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड होने वाले हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिएगा यहाँ पर देख सकते हैं वो कि सत्तर मार्क्स का पेपर दिया गया तो आपके एक से लेकर उन्नीस क्वेश्चन के आपको पूरे सत्तर में से सत्तर मार्क्स मिलने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखते जरूर रहिएगा लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसके बाद आता है आपका यहाँ पर जो कि दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए कीजिए तो सात मार्क्स के क्वेश्चन है पहला दिया गया है आपसे तो पहला आपका पूछा गया है देख सकते हैं ई तीव्रता वाले बिंदुत क्षेत्र के आवेश क्यू रखने रखने पर उस पर लगाने वाला बल होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एफ इक्वल टू ई फिर आता है यहाँ पे एक गतिमान आवेश उत्पादन करता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना है आपको ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला यहाँ पे देख सकते हैं सी वाला हो जाएगा चंबकीय क्षेत्र दोनों देखिये यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया गया है थर्ड दिया गया है जो कि हो जाएगा तेज का नियम संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो आपको लिख देना है फिर आता है यहाँ पे आपका इसके बाद आता है आपका यहाँ पे फोर्थ वाला निम्नलिखित में से किसका तारंग धैर्य सबसे कम है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फिर आता है यहाँ पे आपका फिफ्थ वाला तो फिफ्थ में से आपको लिख देना है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का कांच का उपर उपर्दनाक न्यूनतम होगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर आपको लिख देना है ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा लाल लाल फिर आता है यहाँ पे आपका जो कि छठवां क्वेश्चन तो छठवें क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा अधिक व्यास व अधिक प, अधिक विध्या फिर आता है आपका जो कि सातवां क्वेश्चन एक सौ पचास बोल्ट के बोल्ट के विभ्रांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तारांगधैर्य होगा होगी तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा बने एम ठीक है ये आप लिख दीजिएगा फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है जो कि हो जाएगा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डैस होता है तो इसका आंसर आपको लिख देना है जो कि हो जाएगा अंत यहाँ हो जाएगा अंत लिख दीजिएगा फिर आता है यहाँ पर आपका एल सी परिपद में धारा और बे विभांतर के मध्य डैश डैश का कलाकार होता है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नब्बे डिग्री इसके भी हम आपको बाकी के क्वेश्चन आपको हम पी के माध्यम से बता देते हैं देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन सेकंड के यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि एक ये फ्लैंक्स हैं तो पहले में आंदर हो जाएगा दूसरे में नब्बे हो जाएगा तीसरे में आपको हो जाएगा अब तरक हो जा अब तरक हो जाएगा फिर आता है यहाँ पे आपका परा तरंग हो जाएगा और पाँचवी में घट हो जाएगा छठी में आपका हो जाएगा व्यक्तिकरण हो जाएगा फिर आता है आपका वृत्तक व्यक्तित्व क्रम हो जाएगा आपका फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपको यहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं क्वेश्चन सेकंड आपको प्रोवाइड करा दिया गया है जो कि पहला पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए तो आपका हो जाएगा अपॉन यहाँ पे हम बता देते हैं एन अपन सी लिख देना है फिर आता है यहाँ पे जो कि सेकंड वाला हो जाएगा एक तार को खींचकर उसकी लंबाई तीन गुना कर दी जाती है उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा तो हो जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौ गुना ठीक है फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं सकृत्व का एस आई मात्रक लिखिए तो इसका एस आई मात्रक होगा यहाँ पे आपको लिख देना है मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर तो हो जाएगा हैनरी यहाँ पे हो जाएगा हैनरी ठीक है हैनरी आपको लिख देना है ये आपका सही हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको लिख देना है सेकंड वाला हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका आंसर आपको लिख देना है तो इसका आंसर हम आपको पीडीएफ के माध्यम से बता देते हैं देखिए बच्चों तो यहाँ पे दिया है पहले का एन सी ये बता ही चुके हैं नप कौन सी ना बता चुके हैं यहाँ पे हो जाएगा हैनरी तो यहाँ पे चौथे वाले का हो जाएगा अरण प्रेरण के सिद्धांत हो जाएगा पर प्रया हो जाएगा आप हो जाएगा और चौथे छठे का हो जाएगा वह वस्तु वह वस्तु उतरेस के एफ टू व केंद्र जीरो के बीच स्थित है हो फिर आगे यहाँ पे सेवंथ में हो जाएगा थ्री ई वी से एटीन ई वी आपको आंसर लिख देना है फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हम आपको यहाँ पे आता है आपका इसके बाद आता है सही जोड़ी मिलाइए तो खंड आ और खंडवा दिया गया है तो पहले को आपको मिला देना है जो कि यहाँ पे हो जाएगा पूछा गया है विद्युत शक्ति को आपको मिला देना है नीचे सबसे आई एक्स से मिला देना है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर सेकंड का दिया गया है प्रेरण प्रतिघात को आपको मिला देना है जो कि हो जाएगा हाँ आपका यहाँ पे इसको मिला देना है आपको जो कि हो जाएगा सिक्स वाले से यहाँ पे आई वी से डब्ल्यू एल दिया गया है जो कि से अबन फिर इसके बाद आता है बूस्टर का नियम बूस्टर का नियम आपका वो हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट वाले से ये फर्स्ट वाले से फिर इसके बाद आता है जो कि आकाश का नीला रंग तो इसे आपको उसमें ला देना है किससे आकाश का नीला रंग जो कि हो जाएगा आई वी ठीक है आई वी हो जाएगा ये मेरे को सामने मिला देना है फिर आता है इसके बाद जो कि हो जाएगा ई वाला तो ई वाले को मिला दीजिएगा आप थर्ड वाले से इसको मिला देना है थर्ड वाले से और इसके बाद आता है आपका एफ को मिला देना है जो कि हो जाएगा जनरल डायोड तो इसको आपको मिला देना है फिफ्थ वाले से तो यहाँ हो जाएगा देख सकते हैं वोल्टेज नियम नियम वोल्टेज नियमान हो जाएगा फिर लास्ट वाला बचा है तो इसको मिला दीजिएगा सेकंड वाले से फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो बचे हुए हैं तो इनको काट देना है ठीक है ये आप काट दीजिएगा एक दो बचे हुए इसमें फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पाँचवा वाला प्रश्न दिया गया है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं तो ये लिख देना है तो इसका आंसर भी हम आपको बताते दो मार्क्स में देखिए बच्चों यहाँ से आपके आंसर स्टार्ट हो रहे हैं तो आंसर पांचवा वाला दिया गया फट्ट वाला ये अथवा वाला क्वेश्चन है तो उसको आपको स्क्रीन शॉट दे देना है यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर ये क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको ये लिख देना सातवां वाला भी दिया गया अथवा का तो इसका हम आपको पी बता देते कहाँ से डाउनलोड करना है देखिए बच्चों आपको सबसे पहले आ जाना है आपको अपने गूगल ब्राउजर में आ जाइएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा स्टडी विंग लॉग स्पोर्ट डॉट कॉम पर आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको किसी भी लिंक पर क्लिक कर देना है जैसे कि नीचे दिए गए हैं देख सकते हैं किसी भी लिंक पर क्लास ट्वेल्थ हो या क्लास टेंथ तो यहाँ पर अपन कर देते हैं जैसे क्लास ट्वेल्थ के अपन क्लिक कर देते हैं लिंक पर और नीचे आ जाना है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आपको नीचे दिया गया है जैसे कि आपको फिजिक्स का डाउनलोड करना है पेपर तो आपको फिजिक्स पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है कलेक्टर पर क्लिक करिएगा तो आपको ओपन हो जाएगा नीचे लिंक तो ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पी की लिंक प्रोवाइड की जा रही है जैसे जोग्राफ़ी तो आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप फिजिक्स वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू सो मच